पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। तो मेरा नाम है अफान। मेरा नाम मंसूर सुगैजा है, मैं एक और नई वीडियो के साथ। ये यार काफी ये गाड़ी चल रही है इस टाइम पे, रोस रहा है यार, घूम रही है ना पूरी दुनिया में तकरीबन सबसे ज्यादा ये घूम रही है। तो आज हम जानेंगे भाई इस गाड़ी के बारे में, ये बनती कैसी है, इसको इसकी डेकोरेशन कैसी होती है, इसकी प्राइस क्या है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो आज हम जानेंगे भाई क्यों रॉयल्स इतना नाम कैसे बनती है, क्या है हाँ इसका क्या सीन है, ये वीडियो देखकर ही पता चलेगा। तो इसको ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो बिना किसी देरी के कारण करते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट। दोस्तों ब्रांडेड कार्स के बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा, कभी लैम्बोर्गिनी, जहां ये कार्स अपने स्पोर्ट्स लुक के लिए फेमस हैं, तो वहीं बहुत सी कार्स लग्जरी के लिए भी जानी जाती हैं। बिल्कुल हर किसी की चाहत होती है कि उनके गैराज में एक लग्जरी कार तो जरूर शामिल। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में एक ऐसी कार के बारे में बताने वाले हैं जो शाही और लग्जरी होने के साथ साथ टॉप क्लास ब्रांड में से एक है, और वो है रॉयल्स। दुनिया में सबसे ज्यादा रॉयल बनाती है। इसका इतिहास तो काफी पुराना है, लेकिन आज हम आपको इसकी हिस्ट्री नहीं बल्कि ये कैसे बनाई जाती है उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए और देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दुनिया के सबसे फेमस, ऐसे तो दुनिया में करोड़ों कार ब्रांड्स हैं जिनकी कार्स काफी अच्छी होती हैं। बिल्कुल फेम रोल्स रॉयल्स को मिला है वो शायद ही किसी और को मिला होगा। इसे खरीदना, इसमें बैठना हर किसी का सपना होता है। भारत में भी आपको लग्जरी रोल्स रॉयल्स कार चुनिंदा लोगों के पास ही देखने को मिलेगी। शुरुआती कीमत ही करोड़ों में होती है, लेकिन इस कार में जो खूबियां होती हैं और इसे जिस क्वालिटी को ध्यान में रखकर बनाया जाता है उसकी वजह से लोग इसे करोड़ों रुपए में भी खरीदने को तैयार रहते हैं। रोल्स रॉयल्स की हर एक कार को वहाँ के कर्मचारी खुद अपने हाथों से बनाते हैं। यही वजह एक रॉल्स रॉयल्स को बनाने में लगभग 6 महीने तक का समय लग जाता है। इस लग्जरी कार के कुछ भारी पार्ट्स को ही सिर्फ मशीनों की सहायता से बनाया जाता है, बाकी की ये पूरी की पूरी कार हाथों से बनकर ही तैयार होती है। अगर आप कभी रॉल्स रॉयल्स कार की फैक्ट्री में विजिट करेंगे तो आपको उसमें एंटर करते ही लगेगा जैसे मानो आप किसी वर्ल्ड क्लास कार की फैक्ट्री में आ गए हों, क्योंकि इस कार फैक्ट्री में बाकी कार फैक्ट्रियों की तरह बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं होता। अच्छा। इस कार को बनाने का ज्यादातर काम हाथों से होता है। वही दूसरी कार कंपनी अपनी कार को लगभग 1 या 2 दिन में तैयार कर लेती है, क्योंकि वहाँ काम को बहुत तेजी से किया जाता है। और ये तो हम जानते हैं कि जब काम को करने की तेजी हो तो उस काम को कितनी हड़बड़ाहट में किया जाता है, लेकिन वही रोल्स रॉयल्स की एक कार को बनाने में 1 या 2 नहीं बल्कि 6 महीनों का समय लग जाता है। यही वजह है कि यहाँ पर हर काम को बहुत ही सुकून और परफेक्शन के साथ किया जाता है। कार बनाने वाले एक्सपर्ट्स और उनकी टीम को आजादी होती है कि वो अपने अकॉर्डिंग टाइम लेकर कार को अच्छे से अच्छी बनाए। वही शायद आपको पता हो कि रॉल्स रॉयल्स की हर एक कार अपने आप में यूनिक होती है, क्योंकि कंपनी किसी भी कार के ऑर्डर के टाइम उसके मालिक से उसकी पसंद जानती है। कंपनी कार मालिक को कार पसंद करवाते हुए लगभग 45,000 कलर ऑफर करती है, लेकिन अगर उसके बाद भी कस्टमर के दिमाग में कोई नया और अलग कलर हो तो कंपनी कार को उस कलर में भी बना देती है। वाओ यार, बस शर्त ये होती है कि वो कलर अच्छा होना चाहिए। अच्छा, रॉल्स रॉयस कार की इमेज पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल। इसके बाद पूरी दुनिया में उस कलर की रॉल्स रॉयस तब तक नहीं खरीद सकता जब तक कंपनी आपके पास से परमिशन नहीं ले लेती। हैरान कर देने वाली बात तो ये भी है कि रॉल्स रॉयस कार में डिटेल्स में पेंट करने वाला काम सिर्फ एक ही हुनरबाज इंसान करता है, बाकी का इसका नॉर्मल पेंट 7 लेयर्स में कोटिंग करके किया जाता है। अगर कस्टमर इससे ज्यादा कोटिंग करवाना चाहे तो वो भी हो जाएगी। अब तक आप ये तो जान गए होंगे कि इस कार के ब्रांड के कस्टमर बेहद अमीर लोग ही हैं, जैसे सऊदी और दुबई के प्रिंस या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक, सीईओस और सेलिब्रिटीज। इसीलिए इतनी वेरिएशन होने के बाद भी अमीर लोग अपना कुछ यूनिक लेकर ही जाते हैं, जैसे कि कार पर हीरे जड़वाना। अब ये काम कोई आम इंसान या फिर कोई भी कार कंपनी नहीं कर सकती, पर बात जब रॉयल्स रॉयस की चल रही हो
तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। ये कार कंपनी अपने कस्टमर की हर बात मानने को तैयार रहती है। अगर हम इसके इंटीरियर की बात करें तो इस कार का इंटीरियर भी बेहद यूनिक होता है। जिस तरह के लेदर का इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए कंपनी नहीं चाहती कि किसी भी तरह का कोई दाग या धब्बा रहे या कोई शिकन आए, इसीलिए इसके लेदर भी यूरोपियन कंट्री के एनिमल से ही लिए जाते हैं। वहाँ पर मच्छर काफी कम होते हैं, इस वजह से वहाँ के एनिमल की स्किन पर मच्छरों के काटने से होने वाले निशान भी काफी कम होते हैं। इस लेदर को लाने के बाद इसको जो कट करना होता है वो काम भी कुछ चुनिंदा एक्सपर्ट्स ही अपने हाथों से करते हैं। ये एक्सपर्ट्स 4 से 5 घंटे सिर्फ लेदर को पॉलिश करने में ही लगा देते हैं। लेदर का काम पूरा होने में और उसे हाथों से सिलने में लगभग 1 से 2 हफ्तों का समय लग जाता है। कंपनी कस्टमर के कहने पर घड़ियाल, ऑस्ट्रिच या फिर किसी और जानवर की खाल का भी इस्तेमाल कर सकती है। रोल्स-रॉयस कार के डैशबोर्ड और बाकी जगह लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अलग अलग पेड़ों की लकड़ी नहीं बल्कि एक ही पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कार में थोड़ा सा भी डिफरेंस ना दिखाई दे। लकड़ियों का इस्तेमाल इस कार के लिए कितने ख्याल से बनाई गई है। कोई मामूली लकड़ी नहीं होती बल्कि बादाम के पेड़ की या फिर किसी बादाम के पेड़ की भाई इस्तेमाल होता है। अगर रॉल्स रॉयस के कस्टमर चाहें तो ये भी अपने पसंद की लकड़ी बता सकता है। दोस्तों ये तो हुई इसके पेंट और इंटीरियर की बात, लेकिन इस कार की बॉडी पर जो पट्टियां बनी होती है उन्हें भी हाथों से ही बनाया जाता है। दुनिया के अकेले ऐसे शख्स हैं जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी है। इस पेंटिंग के दौरान उनके पास गलती करने का कोई भी मौका नहीं होता है, क्योंकि से करना होता है और अगर उनसे गलती हुई तो पूरी कार को फिर से पेंट करना पड़ेगा। इसके साथ ही इस कार का एक फीचर ये भी है कि इसकी रूपक पर जो LED लाइट्स लगाई जाती हैं, वो भी ये क्या सीन है इसमें ना? इसके लिए कंपनी कार की छत पर छोटे छोटे होल्स करके उनमें फाइबर ऑप्टिक्स लगाती है। रोल्स-रॉयस में लगभग 1000 होल्स होते हैं, हालांकि कस्टमर की डिमांड पर ये कम ज्यादा हो सकते हैं। इस कार में लगभग 140 किलोग्राम के आसपास साउंड प्रूफिंग फीचर होता है जो इसे अंदर से काफी साइलेंट भी बनाता है। ऐसे ही रोल्स-रॉयस के टायर को भी बनाया जाता है जो बाकी कार से काफी साइलेंट होते हैं। इन टायरों के बीच में जो रोल्स-रॉयस का लोगो लगा होता है वो हमेशा सीधा रहता है, यानी कि कभी टायर के साथ घूमता नहीं है। इसके साथ रोल्स-रॉयस के बोनट पर घूमते हुए इंसानों का लोगो दिखता है, उसे ही स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी का। ये इसका मुझे बहुत अच्छा लगता है। 1911 में कमीशन किया गया था, आज के समय में तो ये लोगो प्रयोग किया जाता है। उसे रिमोट के माध्यम से ग्रिल के अंदर किया जा सकता है। इतना ही नहीं, किसी भी दुर्घटना के समय ये लोगो अपने आप ही फ्रंट ग्रिल के अंदर चला जाता है। ऐसा कंपनी से लोगों को ताकि लगे ना किसी को ना। दोस्तों आपका इस कार के बारे में क्या कहना है? साथ ही क्या आप भी इस कार के दीवाने हैं? क्या आप भी इसे अपने गैराज में देखना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल यार, हम तो खरीदने भी जाते हैं लेकिन पाकिस्तान में ये आ नहीं सकती क्योंकि होगी लेकिन वो बहुत मुश्किल से इम्पोर्ट हुई होगी। लेकिन यार इस कार में जो है ना बहुत मेहनत, बहुत फ्यूचर है यार इसमें, इतने फ्यूचर है ना, पता चले रोज रहे। हाँ, सिर्फ हमने इसका नाम बहुत सुना था लेकिन इसकी हिस्ट्री हमें नहीं पता थी ना। 6 महीने में एक कार बनती है और सिर्फ चमड़े की और यूरोप में जो जानवर होते हैं ना उधर से उनकी चमड़ा लेके आते, क्योंकि जानवरों को मच्छर काटते हैं ना तो उसकी वजह से इस पे दाग ना है। कितना ख्याल रखा गया भाई इसमें। और यार बाकी ये बात ठीक है यार, और जो कंपनियां होती है ना वो एक दिन में जो है ना कई कई कारें बनाती है। बिल्कुल, ये अपने हाथों से बनाते हैं, हाथों से और रोज रोज वक्त एक ऐसी है कि 6 महीने ये चल, 6 महीने ये इसका कंस्ट्रक्शन होता है भाई, फिर ये मार्केट में आती है। और ये भाई जो भी बंदा जिस कितने कलर्स भाई 7000 7000 और भी कस्टमर बताना चाहे ना कस्टमर हो सकता है, लेकिन वो कहते हैं कलर अच्छा होना चाहिए वरना हमारे कार की बदनामी आती है। और ये है कि यार बहुत कमाल यार, इतनी औसम कंपनी ना कि यार दिल करता है मैं खुद ले लूं, लेकिन यार अभी टाइम नहीं हुआ अभी तक हमारा कार लेने का, क्योंकि बहुत सारा टाइम हमारा लगेगा, करोड़ों लोग एमी नहीं लगाते। बिल्कुल भाई, इसकी प्राइस जो है ना करोड़ों में शुरू होती है। और ये कहते हैं कि एक जो कस्टमर से पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या बिल्कुल
हर फ्यूचर इसमें जो कस्टमर हीरे भी लगवा सकता है, सोना भी लगवा सकता है। दूसरा ये कि इस कंपनी में शोर भी नहीं होता यार, बिल्कुल लेवल है यार, मशीनरी नहीं कम होती है और जो एंटर होती है आपको पता लग जाता है कोई, बिल्कुल यार यार इसमें ये तो हमने बना ली है यार ये वीडियो हमने कि यार रोल्स रॉयल के बारे में हमने आज जान ली है। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया में कितने लोगों के पास ये हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा वो वाली वीडियो भी। तो यार उम्मीद करते हैं आप सब भैया हमें सपोर्ट करेंगे और आप सब भैयों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी जो हम बनाएंगे। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।